हेलो फ्रेंड्स, जिया कुकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ रवा इडली, जो सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक बर्तन लेती हूँ। इस बर्तन में मैंने 1 कप ये रवा डाला है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही। ये थोड़ा हल्का खट्टा लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने 3/4 कप पानी लिया है। ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। सूजी पानी ज़्यादा सोखती है, इसलिए इसकी आवश्यकता अनुसार हम इसमें पानी डालेंगे। इसे मिक्स करते जाएंगे। ये आप देखिए कितना गाढ़ा घोल हुआ है, इसलिए पानी इसमें और ऐड करते हैं। अब इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये पानी थोड़ा सा और इसमें डलेगा। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक डालूंगी। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डालते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये घोल बिल्कुल तैयार है। यहाँ हम रवा इडली बना रहे हैं। आप चाहे तो दाल चावल की इडली भी बना सकते हैं, लेकिन दाल चावल की इडली में टाइम ज़्यादा लगता है और ये इडली जल्दी सी फर्मेंट हो जाती है और जल्दी सी तैयार हो जाती है, इसलिए रवा इडली बना रहे हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 10 मिनट में ये फूल के अच्छे से घोल रेडी हो जाता है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम आपको दिखाते हैं। ये घोल अच्छे से फूल गया है, लेकिन सूजी पानी ज़्यादा सोखती है, इसलिए ये गाढ़ा हो गया थोड़ा, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से ये बैटर बन गया है। अब ये लास्ट में 1/4 चम्मच इनो सॉल्ट डालती हूँ। अब ये इनो पे 1 चम्मच पानी डालते हैं, इसे एक्टिव करते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बैटर को मिक्स कर लिया है और ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया, एकदम परफेक्ट तैयार हो गई है। और यहाँ मैंने इडली के ये मोल्ड लिए हैं, इन्हें हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। तेल लगाने से इडली चिपकती नहीं है और निकल भी आसानी से जाती है। इस तरह से हम तीनों स्टैंड में ये तेल लगा लेते हैं। अब ये बैटर जो हमने रेडी किया था, 1-1 चम्मच इन मोल्ड्स में हम डालेंगे। 1 चम्मच बैटर डाल रही हूँ मैं, क्योंकि इडली फूल के जस्ट डबल हो जाती है, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर ही डालूंगी। आपको यदि बड़ी इडली पसंद है तो थोड़ा बैटर ज़्यादा डाल सकते हैं। इन सारे मोल्ड्स में मैं ये बैटर डाल देती हूँ। जो मेज़रमेंट हमने रवा का लिया था वो बिल्कुल सही मेज़रमेंट था। एक बार में ये 12 इडली तैयार हो जाती है। यदि आपको ज़्यादा इडलियाँ बनानी है तो जस्ट डबल कर देंगे इस मेज़रमेंट को। ये देखिए, ये हमने सारा मोल्ड्स को भर लिया है। अब ये गैस में मैंने इडली स्टैंड रख दिया है और ये 1.5 गिलास में पानी डालती हूँ। अब इसके बाद इसमें हम जाली वाली प्लेट रखते हैं और एक एक करके जो मोल्ड्स हमने बैटर के भरे थे, एक एक करके हम इसमें रखते जाएंगे। ये तीनों मोल्ड्स हम रख देते हैं। आप चाहे तो, यदि इडली का स्टैंड नहीं हो तो आप पतीले में भी पानी डाल के स्टीम बना के आप इडली बना सकते हैं। और फिर इसको हम ये ढक्कन से ढक देते हैं। इडली पकने में 15 मिनट लग जाते हैं। 15 मिनट में इडली बिल्कुल रेडी हो जाती है। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और ये इडलियाँ बन के तैयार है। और 2 मिनट इसको बाहर भी रखना है ताकि ये आसानी से निकल सके। ये मैंने 2 मिनट रख ली थी। अब इसे चम्मच की सहायता से मैं निकाल लेती हूँ। बिल्कुल आसानी से बिना चिपके ये इडलियाँ निकल जाती है। ये देखिए बिल्कुल आराम से निकल रही है, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनके तैयार है। एक एक करके हम सारी इडलियों को निकाल लेते हैं। ये आप देखिए, ये सारी इडलियाँ मैंने निकाल रखी है और बिल्कुल बढ़िया बिना चिपके बहुत ही अच्छी इडली बनके तैयार है। अब इडलियों के लिए मैंने एक तड़का भी तैयार किया है।
ये मैंने तेल में थोड़ी सी राई और थोड़ी सी हरी मिर्च कट करके एक तड़का बनाया था, ये इन इडलियों पे ऊपर से डाल देंगे ताकि इडली और भी अधिक टेस्टी बन सके। ये आप देखिए, ये तड़का लगाने से और भी इसका स्वाद बढ़ जाएगा। इन इडलियों को नारियल की चटनी और सांभर के साथ सर्व करें, सभी को बहुत अधिक पसंद आएगी। और आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।